अक्सर करके हम लोग गुरुओं के विषय में बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। हम लोगों के मन में भावना रहती है कि ये न किन प्रकार हमको गुरु के तत्व की प्राप्ति हो जाए, हमको गुरुदेव मिल जाए, कहीं से भी किसी भी प्रकार से हमको गुरुदेव का सानिध्य मिल जाए, हमको गुरु कोई हमको ऐसा मिले, और आपको और तो और अगर हमको अपने मनमाफिक गुरु मिल जाए तो और भी अच्छा। हमको अगर मनमाफिक गुरु मिल जाए तो और भी अच्छा। बोले आज हमको सब एक बड़ा ही धारा जिसमें बह रहे, आज के समय में गुरु चयन नहीं करता शिष्य का, शिष्य चयन करते हैं गुरुदेव का। कैसी विडंबना आ गई है। विषय है कि गुरु चयन करता है, दीक्षा का, दीक्षा लेने का दायित्व तो सबको है, सब आइए दीक्षा में आइए, लेकिन दीक्षा के लिए आपके अंदर वह उपयोगिता है या नहीं है, आपके अंदर उस दीक्षा को धारण करने की व्यवस्था है या नहीं है, विषय ये है। आज के समय में शिष्यों की लाइन सी लगी हुई है साहब, शिष्यों की लाइन सी लगी, शिष्यों की स्थिति। यहां पर गुरुदेव के गुरु के रूप में उन्होंने 24 तत्वों का जो वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में, यह 24 प्रकृति से जुड़े हुए तत्व हैं। सबसे पहला गुरु उन्होंने पृथ्वी को बताया कि पृथ्वी वायु आकाश चंद्रमा रवि, पहला तत्व है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में तो कल हम लोग चिंतन कर चुके हैं, लेकिन पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा विचार किया, वह बड़ा सुंदर कहते हैं कि पृथ्वी से मैंने इस संसार में क्या सीखा है कि मैंने पृथ्वी से यतो यदनु शिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज तत्तथा पुरुषा व्याघ्र निर्बोध कथयामि ते। मैंने पृथ्वी से क्या सीखा है, पृथ्वी से उसका धैर्य सीखा। गुरु के अंदर, गुरु से अगर कोई सीखने की वस्तु है, गुरु से अगर कोई धारण करने की वस्तु है, तो वह होता है गुरु का धैर्य। गुरु कितने धीरजता के साथ, कितने धीरज से, पेशेंस, वो पेशेंस का होना बहुत आवश्यक है। पहली चीज, पहला सूत्र है कि हम और आप लोग तो गुरु का चयन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हम आज के समय में हम और आप लोग गुरुओं का चयन, हमें हमारे पास में ये योग्यता नहीं कि हम गुरु का चयन करें। ये आज के समय में उल्टा हो रहा है कि हम गुरुओं का चयन करते हैं कि प्रभु गुरुदेव हमें आपसे दीक्षा। अरे आप शिष्य बनिए। संन्यासोपनिषद के अंतर्गत में बड़ा सुंदर एक हमको संन्यासोपनिषद से मिलता जुलता बड़ा सुंदर एक ग्रंथ मिलता है, गुरु गीता। यह गुरु गीता भगवान शंकर ने मां पार्वती को श्रवण कराई, और इस गुरु गीता को एक बार आप पढ़िए अवश्य। मेरा आपको कथन है कि आप सब लोग एक बार इस गुरु गीता का आश्रय जरूर लें। यह गुरु गीता अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में आपके मन की बहुत सारी भ्रांतियां समाप्त तो हो जाए, बहुत सारे आपके मन में जो हो कहीं ना कहीं एक जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं गुरु के प्रति, वह सब समाप्त हो जाए। यहां पर उस गुरु ग्रंथ, वो जो गुरु गीता है, वैकरी गुरु गीता भगवान शंकर का और मां पार्वती का एक संवाद है, जिस संवाद के अंतर्गत में उन्होंने गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, शिष्य को कैसे वो धारण, क्या क्या धारण करना चाहिए, गुरु को क्या क्या धारण करना चाहिए, ये सब लक्षणों के ऊपर भगवान शिव शंकर ने मां पार्वती को ज्ञान दिया। यहां पर बड़ा सुंदर दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, मैंने कौन सा किसको गुरु बनाया, बोले मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया।
और जब मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया तो गुरु मैंने पृथ्वी से मैंने क्या सीखा कि पृथ्वी से मैंने यतो यद अनुशिक्षामि यदावाना हुषात्मजः तत्तथा पुरुष व्याघ्र निर्बोध कथयामि ते। मैंने पृथ्वी से उसकी धैर्य की और उसकी जो है क्षमा की शिक्षा ली। मैंने जो पृथ्वी के अंदर जो धैर्य है वही धैर्य की और उसके अंदर जो क्षमा करने की जो शिक्षा है, क्षमा करने का जो सूत्र है उसको मैंने ग्रहण किया। जरा विचार करिए, हम और आप लोग कितना कुकर्म नहीं करते हैं इस पृथ्वी और कितना कुकर्म ना करते हुए भी हम और आप लोग इस पृथ्वी पर हम जितना निवास करते हैं उसके बाद भी स्थिति क्या होती है, यह पृथ्वी हमको क्षमा कर देती है, हमको जो है एक प्रकार से हमको क्षमादान कर देती है। यह हमको सीखना चाहिए पश्चिम के देशों में, जब हम पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिम के देशों से हमको यह सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि पश्चिम में आप यत्र तत्र सर्वत्र आप थूकते नहीं फिरेंगे। मैं इंग्लैंड होकर के आया, इंग्लैंड में वहां पर वो थूकने के लिए भी मुझे देखना सोचना पड़ता था 10 बार। ये उस पृथ्वी का मान सम्मान है, वह जो उनकी जो भूमि है उस भूमि पर वह गंदगी नहीं फैलाते, गंदगी ना फैलाते हुए अर्थात उनका ये नियम है कि आप इस पृथ्वी को स्वच्छ रखें। ये क्षमा कर देती है हमको। हम और आप लोग तो हिंदुस्तानी भारतवासी लोग जहां तहां जहां हमको जो है हो गया वहीं खड़े हो जाते हैं शौच मल इत्यादि करने के लिए, है मूत्र इत्यादि का विसर्जन करने के लिए। ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। हमारे यहां पर व्यवस्थाएं दी गई है क्या आप ऐसे यत्र तत्र सर्वत्र रास्ते में जहां आपको मुंह मिले वहीं पर आप खड़े मत होइए। ये हम मनुष्यों का नियम नहीं है। क्या स्थिति हो रखी है आज समय समाज में, अभी आपने और हमने विचार किया नहीं किया, कभी विचार नहीं करते हम और आप। आज के समय में जरा विचार करिए, इस पृथ्वी से क्या क्या आघात नहीं करते हैं लोग, क्या क्या उत्पात नहीं करते इस पृथ्वी पर लोग। लेकिन संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं और समय समय पर वे भिन्न भिन्न प्रकार से जाने व अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं। और उस समय पर यह जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी ना तो किसी से बदला लेती है और ना ही रोती है चिल्लाती है। ये पृथ्वी अपना नियम का धारण किया हुआ है, अपने नियम का धारण किया हुआ इस पृथ्वी। बोले पृथ्वी के विकार पर्वत और वृक्ष से, जरा विचार की पृथ्वी के जो विकार हैं ये वृक्ष इत्यादि पर्वत इत्यादि। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी विवशता को समझे। पृथ्वी से हमें क्या सीखने को प्राप्त होता है, पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपनी सीमित संसाधनों में व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को करे। यह है पृथ्वी का लक्षण। पृथ्वी से जो हम सीख सकते हैं, पृथ्वी पुरुष को चाहिए वह अपना धीरज ना खोवे, शिष्य को चाहिए, पुरुष अर्थात शिष्य, मैं यहां शिष्य की गणना कर रहा हूं कि शिष्य को चाहिए कि वह अपना धीरज ना खोवे, वह क्रोध ना करे और अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। हमें इस पृथ्वी से, अगर हम इस पृथ्वी को अपना गुरु बनाते हैं तो आज आवश्यकता है कि हम इस पृथ्वी से हम ये शिक्षा ग्रहण करें। पृथ्वी के ही विकार पर्वत वृक्ष आदि से, जो पृथ्वी के विकार हैं ये वृक्ष पर्वत, ये जो हम जो चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र अपने चारों तरफ देखते हैं, इनसे दत्तात्रेय जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, इनसे मैंने शिक्षा ली है। बोले क्या कि जैसे उनकी सारी
चेष्टाएं पर्वत की, नदियों की, वृक्षों की, इनकी सारी चेष्टाएं दूसरों के लिए होती हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनका जन्म ही दूसरों के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता, अपने लिए नहीं होता। वैसे ही शिष्य को चाहिए कि वह अपना सर्वस्व, अपने संपूर्ण जीवन में अपना सर्वस्व जीवन परमार्थ के लिए समर्पित कर दे, वह परोपकार की शिक्षा को ग्रहण कर। पृथ्वी हमको यह सब सिखाती है। पृथ्वी के जाकर पहले आप ये जानिए क्या आपके अंदर शिष्य बनने के लक्षण हैं। अगर है तो हमको पृथ्वी से ये ग्रहण करना चाहिए।